हेलो गाइज, माय नेम इज शिवम मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2022 के फिजिकल रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। पूरी लिस्ट बताऊंगा मैं डॉक्यूमेंट्स की इस वीडियो में, सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी पार्ट को स्किप ना करें क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। एंड अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे मिस हो जाता है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है फिजिकल रिपोर्टिंग में। सो वीडियो को एंड तक देखें। एंड हमारे चैनल पर आपको एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज रिव्यू एंड काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी डिटेल वीडियो देखने को मिलती है। सो मैं इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो जो लिस्ट में पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर। मींस आपको किसी ना किसी राउंड में कोई ना कोई सीट अलॉट हुआ होगा जोसा काउंसलिंग में, देन उसका आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है जो कि आपको लेके जाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। इसके अलावा प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, मींस जो आपको सीट अलॉट हुआ है जोसा काउंसलिंग के किसी ना किसी राउंड में, देन उसके सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ता है। जैसे जनरल एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 35,000 फी पे करना रहता है एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी। इसके अलावा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 15,000 फी आपको पे करना पड़ता है एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी। देन वो सीट एक्सेप्टेंस फी का आपको प्रूफ यहाँ पे रखना पड़ेगा, जैसे कि आपने मान लीजिए नेट बैंकिंग के थ्रू किया या डेबिट कार्ड के थ्रू किया, देन उसका स्टेटमेंट होना चाहिए, या आपने ई चालान के थ्रू किया एसबीआई बैंक के, देन उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी आपने वहाँ पे किया है। इन सब के अलावा आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी चॉइसेस आपने फिल किए थे, जो भी आपके प्रेफरेंस ऑर्डर्स थे, उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट। इसके अलावा जो भी आपने चॉइसेस फिल की थी उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। इस सब के अलावा आपके पास जेएमएस का एडमिट कार्ड होना चाहिए, एंड अगर आपका आईआईटीज में हुए देन आपके पास जे एडवांस का एडमिट कार्ड वहाँ पे होना चाहिए। इन सब के अलावा आपके पास जेई का स्कोर कार्ड होना चाहिए। एंड इसके अलावा बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वो आपको लेने हैं जो कि आपने जेई मेंस के एग्जाम में वहाँ पे सबमिट किए थे, जो भी आपने फॉर्म भरा था उस समय जो फोटोग्राफ्स दिए थे वही आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए। एटलीस्ट आप 10 फोटोग्राफ्स निकलवा के चलो ताकि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इन सब के अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपने 12th एग्जाम के इक्विवेलेंट कोई अदर एग्जाम दिया है उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैक्सिमम आपको बता देते हैं कि 12th का मार्कशीट से काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे लेके जाओ ताकि आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि फिजिकल रिपोर्टिंग से आपको वापस आना पड़े, घर से सब लेके जाना पड़े। ये सारा आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स का आपको वहाँ पे नीड पड़ता है, जरूरत पड़ता है, सो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इन सब के अलावा आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, मीन आधार कार्ड या पैन कार्ड आपका होना चाहिए। एंड इसके अलावा पेरेंट्स के भी आप आधार कार्ड या पैन कार्ड वहाँ पे लेके जाना ताकि आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये आता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो कहाँ का बनवाया, जहाँ से वो अभी परमानेंटली रहते हैं या इसके अलावा जहाँ पे वो 12th उन्होंने किए वहाँ का उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा। जहाँ पे आपने 12th किया रहता है उसका बस इतना ही जरूरत रहता है, जो भी आपका कट ऑफ बनता है एग्जाम में तो वहाँ पे आपका डोमिसाइल वो माना जाता है जहाँ से आपने 12th किया हुआ है। बट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ का बनता है जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो, जहाँ का आपका आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे जहाँ पे आपका एड्रेस है वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे बनाना होगा, ना कि आपने जहाँ से 12th किया है वहाँ के। इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा के रख ले क्योंकि NITs में IITs में आपको इनकम के बेसिस पे, आपके पेरेंट्स के इनकम के बेसिस पे काफ़ी स्कॉलरशिप वहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो बेटर है कि आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा के चले पेरेंट्स का। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं अगर आपने गैप किया, अगर आप ड्रॉपर्स रहे हैं, आपका एक साल दो साल जितना भी गैप हो रखा है, देन आपको वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बनवा के जाना ही जाना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग के समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल नीड पड़ते हैं। मान लीजिए आपने गैप कर लिया एंड आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, देन आपको काफ़ी दिक्कत वहाँ पे आ सकती है फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। इसके अलावा एक एंटी रैगिंग का फॉर्म आता है जो सारी कॉलेजेस के एप्लीकेबल नहीं है। जिस भी कॉलेज में आपका, जिस भी NITs में, जिस भी IITs में या जिस भी अलॉटमेंट आपका कॉलेज में हुआ है, वहाँ पे कुछ कॉलेजेस में मांगा जाता है एंटी रैगिंग फॉर्म, जिसको आप नॉर्मली फिल कर सकते हो। आपको अपने नोटिफिकेशन पता चल जाएगा जिस भी कॉलेज में हुआ है, अगर वो फिल करने के लिए बोलेंगे देन उसका जो फॉर्मेट वहाँ पे आता है आप वहाँ से फिल करके नॉर्मली कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। ये कुछ उतना हार्ड नहीं है, बट जो गैप सर्टिफिकेट है ये आपको जरूर बनवा लेना है। इन सब के अलावा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का भी काफ़ी नीड पड़ता है फिजिकल रिपोर्टिंग में। एंड किसी भी आप नियर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके, आप वहाँ से जाके बनवा सकते हो। 6 महीने तक वैलिड रहता है मेडिकल सर्टिफिकेट, एंड आपको ये पहले से बनवा के रख लेना है। इन सब के अलावा जो सबसे मोस्ट हमारा यूज होता है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी ऐसे बच्चे, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स जो कि किसी ना किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि EWS, OBC, NCL, SC एंड ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी, देन उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे बनवा के जाना पड़ता है रिजर्वेशन लेने के लिए। जैसे कि बात करें ऐसे बच्चे जो कि EWS या OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है इससे पहले का बना है देन वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से बनवा के रख लो क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। एंड इन सब के अलावा जो एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे रहते हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, उसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, डेट लिमिट नहीं होता है कि इतने पहले का बनाना चाहिए। अगर आपके पास एक साल दो साल तीन साल पहले का भी है
तो भी आपका चलेगा वहाँ पे। लेकिन जूसा का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जूसा में जो फॉर्मेट दिया है कैटेगरी सर्टिफिकेट का, अगर वो उसी फॉर्मेट में बना रहेगा तो काफ़ी सही रहेगा वहाँ पे। आप ट्राई करो जो भी जूसा के वेबसाइट पे जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का, उसी फॉर्मेट्स में बनवाने के, ताकि आपको वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग में कोई भी तरह का इशू ना जाए। इसके अलावा भी कुछ बेसिक डाउट्स रहते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स से, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट मैं बता देना चाहता हूँ दो स्टेट्स के लिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे बच्चे जो कि महाराष्ट्र से एस सी या ओ बी सी एन सी एल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो वैलिडेट होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। ये सिर्फ एससी एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए था, महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, देन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिडेट माना जाएगा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। तो ये बात हो गई आपका महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए। एंड इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नोटिस आया है। जैसे कि तमिलनाडु स्टेट से मान लीजिए अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिडेट माना जाएगा कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर द्वारा। मींस अगर आपने यहां से बनवा रखा है, देन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो वैलिडेट माना जाएगा। ये जो नोटिस मात्र दो स्टेट्स के लिए आया, सो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सो अगर आप महाराष्ट्र या तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, देन इस नोटिस को फॉलो करें, बिल्कुल यहाँ से बोल रहा है वहीं से बनवा के ले जाए, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी इशू ना आए। अब हम सब आ जाते हैं कुछ बेसिक डाउट्स को लेकर कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। पहला तो ये लैंग्वेज को लेकर हम सब बात कर रहे थे कि जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रखा है वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, या आपके स्टेट्स में लैंग्वेज में होना चाहिए। सो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने इंग्लिश में बनवा रखा है तो काफी सही है, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा कॉलेजेस में। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे स्टेट्स में जाते हो, मान लीजिए आपने साउथ में गया और आपका यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में बना या हिंदी में बना हुआ है, सो वहाँ के टीचर्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है समझने में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट को, बट इशू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, बट अगर आप इंग्लिश में बनवा लेते हो देन आपको काफी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका हिंदी में है या रीजनल लैंग्वेज में, जहाँ से आप स्टेट से बिलोंग करते हो उसके रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, तो भी आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। सारे ही लैंग्वेज अगर आप बना के ले जाए तो किसी भी लैंग्वेज में सारा ही आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इन सब के अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आजकल आ रहा है कि डिजिटली साइंड आ रहा है, एंड इसके पहले कुछ फिजिकली साइंड भी बनते थे। सो कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें वैलिड रहेंगे, डिजिटली साइंड वाले या फिजिकली साइंड वाले? सो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपका वैलिड रहेंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स अभी बन रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो कि डिजिटली साइंड आ रहा है, उस पर क्यू आर कोड रह रहा है, सो भी आपका उतना ही वैलिड माना जाएगा जितना जो फिजिकली साइंड वहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट बन रहा है। सो इसमें बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज ना हो कि हमारा जो डिजिटली साइंड है सो वहाँ पर वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे वो डिजिटली साइंड हो, सारे वैलिड माने जाएंगे, एंड अगर किसी भी लैंग्वेज में तो भी वहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इन सब के अलावा ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, उनको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा कैंडिडेट अंडरटेकिंग, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंडिडेट अंडरटेकिंग क्या होता है। मान लीजिए इतना बताने के बाद भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप मिस कर देते हो, नहीं लेके जाते हो, या आपके पास उस वक्त नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप भूल जाते हो, देन वहाँ पे आपको कॉलेज के थ्रू कैंडिडेट अंडरटेकिंग आता है, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो कि हाँ मैंने इस कारण से ये फॉर्म नहीं लेके आया, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है। देन आपको जो कॉलेज है कुछ वक्त का टाइम देता है कि आपको इतने दिन बाद वहाँ पे लाके सबमिट कर देना पड़ेगा। सो इतने भी वहाँ पे डर मत जाना कि आपको मान लो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाए, अगर आप नहीं लेके जाते हो देन वहाँ पे कैंडिडेट अंडरटेकिंग आता है, आप उसको नॉर्मली फिल कर देना है, एंड आपको जो है कॉलेज की तरफ से कुछ समय मिल जाता है उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, जिसको आपको जूसा काउंसलिंग 2022 के फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके ही लेके जाना है, तभी आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लगभग लगभग मैंने अराउंड 20 डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी आपको रिलेटेड जूसा काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डॉक्यूमेंट्स से कोई भी रिलेटेड डाउट है, या फिजिकल रिपोर्टिंग से कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।